इन पांच कारणों की वजह से तुला राशि वाले जातकों को जीवन में नहीं मिल पा रही है सफलता। वीडियो को अंत तक देखें, यदि जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे कहना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच कारणों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि आपने समझकर उन कारणों पर विचार कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि भचक्र मंडल की सातवीं राशि होती है तुला राशि, जिसे शास्त्र के अंदर भाग्यशाली राशि का नाम दिया गया है। जी हाँ, यही है वह राशि जिसे शास्त्र मत अनुसार जीवन में कुछ भी कर गुजरने की दक्षता प्राप्त होती है। आवश्यकता है तो सिर्फ इन पांच कारणों को जानने की। ऐसे में यदि आपके भी नाम का पहला अक्षर र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से चालू होता है तो मित्रों, आप तुला राशि के जातक होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कौन सा है वह पहला कारण जिसे शास्त्र मत अनुसार बताया गया है आपके जीवन में अवरोधकता की जड़। तो मित्रों, वह कारण है समय का दुरुपयोग करना। जी हाँ, यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो आपको अपने स्वभाव के बारे में भलीभांति पता होगा कि आप समय का बहुत अधिक दुरुपयोग कर बैठते हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, गप्पे मारना, ये आपको बहुत अधिक पसंद होता है और परिणाम स्वरूप आप अपने समय का बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग कर बैठते हैं। और अक्सर आपको देखने को मिलता है कि सही समय का सदुपयोग ना करने की वजह से आप अपने लक्ष्य से भी दूर हो जाते हैं और फिर एक ही स्थिति बच जाती है और वो है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मित्रों कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको जीवन में समय का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सृष्टि पे हम चाहे वो खरीद सकते हैं किंतु जो नहीं खरीद सकते वो है समय। ऐसे में शास्त्र कहता है कि यदि तुला राशि वाले जातक अपने समय का सदुपयोग करें तो अन्य राशियों की अपेक्षाकृत आप लोग कम मेहनत के अंदर श्रेष्ठ मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा है वह दूसरा कारण जिसे बताया गया है सफलताओं में अवरोधकता की जड़। तो मित्रों, वह कारण है आपके अंदर उत्पन्न आलस्य प्रवृत्ति। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि तुला राशि वाले जातक अपने कार्यों को आलस्य प्रवृत्ति के चलते आजकल पर टालते रहते हैं। और कई बार आपने अपने जीवन के अंदर ये अनुभूति भी की होगी कि आपकी आलस्य प्रवृत्ति के चलते आपके हाथ से बड़े बड़े अवसर भी निकल जाते हैं और यदि मजबूरी वश कोई कार्य करना भी पड़ा तो उसको इस स्थिति के अंदर करते हैं कि जब वह कार्य आपके ऊपर आकर गिर जाए कि अब तो इस कार्य को करना ही पड़ेगा, तब उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। और उसमें भी कई बार आपने देखा होगा कि जल्दबाजी के अंदर आपको अपने कार्यों के अंदर गलती हो जाती है। ऐसे में मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करें, क्योंकि 12 राशियों में से तुला राशि ही एक ऐसी राशि है जो एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करे तो इन्हें मिल जाती है बहुत जल्द सफलताएं। बात करें यदि तीसरे कारण की तो मित्रों, शास्त्र मत अनुसार बताया गया है कि तुला राशि वाले जातक अपने आप को खुलकर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और इसी कारण इन्हें देखने को मिलती है जीवन में बहुत सी समस्याएं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने यार दोस्तों के साथ होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं तो जो मन में आता है वो बोल देते हैं, किंतु बहुत बार ऐसी स्थितियां आती है जहां आपको सच में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, वहां अक्सर आप चूक जाते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करते रहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति को ये बात बोल ही देनी चाहिए थी, या फिर यदि कोई बात बोल भी दी तो ये ना बोलकर मुझे वो बोलना चाहिए था। ऐसी स्थितियां आपके जीवन के अंदर बहुत बार देखने को मिलती है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को खुलकर लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें और वह शक्ति आपके अंदर होती भी है। आवश्यकता है तो सिर्फ स्वयं को जानने की, स्वयं के कॉन्फिडेंस को पहचानने की। बात करें यदि चौथे कारण की तो मित्रों, शास्त्र मत अनुसार बताया गया है कि तुला राशि वाले जातक अपने विपरीत लिंग के प्रति बहुत जल्द आकर्षित हो जाते हैं और इसी कारण इनको जीवन में देखना पड़ता है सफलताओं में समस्याओं का सामना। जी हाँ, विपरीत लिंग के प्रति ये लोग बहुत जल्द आकर्षित होकर अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं और बर्बाद किए गए समय और पैसे की वैल्यू तब समझ आती है जब हाथ के अंदर कुछ नहीं रह जाता, तब सदैव एक ही स्थिति होती है और वह है पश्चाताप। ऐसे में मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने समय और पैसे दोनों को जानें। किसी भी व्यक्ति की तरफ बहुत जल्द अट्रैक्ट होने से पहले अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछें कि क्या ये मेरा पैसा और समय बर्बाद करने के लिए तो मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा है, अन्यथा आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता में यह कारण बहुत बड़ी अवरोधकता की जड़ बन जाता है। और अंतिम कारण जिसे बताया गया है आपके लिए समस्याओं की जड़, वह है मित्रों व्यर्थ खर्च। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपनी बोझ मस्ती यार दोस्तों के साथ बहुत अधिक व्यर्थ खर्च कर बैठते हैं और जब आपको किसी बड़े कार्य के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट की आवश्यकता होती है तब वह पैसा आपके हाथ में नहीं होता और फिर मन में यही पश्चाताप रह जाता है कि काश मेरे पास पैसा होता तो आज मैं ये कार्य कर सफल हो सकता था। ऐसे में मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि व्यर्थ खर्चों पर आपको लगाम अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों को शास्त्रमत जीवन में कई ऐसे अवसर तो प्राप्त होते हैं
जिनका सदुपयोग कर आप अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ मुकाम पा सकते हैं। किंतु आपने अपने जीवन में अवश्य देखा होगा कि आपके कार्य विशेष रूप से पैसे की वजह से अटक जाते हैं। ऐसे में मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पैसे का सही समय पर सदुपयोग करें, फिर देखिएगा कैसे होती है आपके जीवन में उन्नति। तो मित्रों, यह है वह पांच कारण जिन कारणों की वजह से आपको अपनी मेहनत के अनुसार नहीं देखने को मिलते श्रेष्ठ परिणाम। किंतु यहाँ एक बात से आपको और अवगत कराना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में मेरे द्वारा कही गई इन पांच बातों में कर लेते हैं परिवर्तन, तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि तुला राशि वाले जातकों को भाग्यशाली राशि का नाम दिया गया है। ऐसे में यदि आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो आपको अन्य राशियों की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।